तो सर क्या नाम है हमारा आपका? मेरा नाम विजय भारद्वाज। विजय भारद्वाज जी क्या हाल है आपके? कुछ में जब आपको बहुत फायदा नहीं होता जो सुनाने में लगती है तो बहुत सारी परेशानी होती है, खाने का रहने का, नहीं जाओ तो तुम मना करते लोग कहाँ रात को रुके। मैं तो कई रात ट्रेन में सोया हूँ, बड़ा पाव खाते खाते ट्रेन में सोया हूँ, भाग दौड़ किया हूँ, जमीन को सोया हूँ, ग्रीन सिटी के अंदर सोया हूँ। तो जज्बा था कुछ का विजन देखा कि फोन हमको रोक सकता है। फर्स्ट इनकम आपकी कितनी हुई है? कहाँ से कहीं काफी मिली याद नहीं, कहाँ से मिला उसके बाद कई कई कंपनी बनाया हुआ, उसके बाद कई सारी कंपनियों का मैंने काम किया, ग्रामीण काम किया, सफला कंपनी का, मिल्क स्टिक का, पीएचडी के टीम का, और सारी कंपनी काम किया, सीआरओ के काम किया, उनका प्रमोशन कर रहा है, हमेशा काम मिलता है उसके लिए सफाई चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, अभी भी फोन आ सकता है या सिटी में जगह तक चलते हुए, जब तक एक्टिव नहीं रहोगे ना तो दोस्तों बेसिकली आप लोगों ने पॉडकास्ट देखे होंगे सभी के क्रिएटर्स के। आज हम कुछ ऐसे शख्स आपको मिलाने वाले हैं जो कि बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं और बहुत अपना नाम बना चुके हैं। तो मिलते हैं। तो सर क्या नाम है हमारा आपका? मेरा नाम विजय भारद्वाज। विजय भारद्वाज जी क्या हाल है आपके? बहुत अच्छा हाल। तो विजय भारद्वाज जी आप अपने थोड़े जानकारी बताइए, अपने लाइफ में आप क्या कर रहे थे और अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं लाइफ में बॉलीवुड में था, कला संस्कृति क्षेत्र में, बॉम्बे में था, कई सारी पिक्चर, हिंदी पिक्चर, फिल्म, टी वी सीरियल, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री बनाया और सबसे पहले वॉर्फन बच्चों को भी लॉन्च किया जिनके दुनिया में माँ बाप पता नहीं थे, हमको नंबर वन गाँव रेडियो शो के माध्यम से कई सारे देशभक्ति गाने बनाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 के चुनाव में बनाया गाना बनाया, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बनाया, यूपी का विधानसभा चुनाव बनाया, 2014 के लोकसभा चुनाव में हमने गाना सुनाया है। और जितना अगर मैं अपना फिल्म चाहता हूँ नर्सरी मुझे पर्यावरण और गाय से बहुत प्यार है और जमीन से जुड़ कर मैं मसीह काम करना पसंद करता हूँ। तो मैं अब फोटो खींचे रखता हूँ, ऐसे बातें करता हूँ, दोस्ती कर चुका हूँ, गाय से प्यार करता हूँ। तो आप जमीन से जुड़ कर चलने वाले इंसान हैं। तो देखो भाई कहाँ से उठे हैं और कहाँ, तो भाई से पहले पूछते हैं अमित जी आप ये बताइए कि आपके फिल्में कैसे आया कि हाँ मेरे को यही चीज़ करनी है? कोरोना काल में सब कुछ सिखा दिया, कोरोना का भी हाल फिलहाल में आया तो जब कोरोना आया उसके बाद नर्सरी काम स्टार्ट किया, नर्सरी काम स्टार्ट, जब इंसान ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था, सांसें मुश्किल से मिल रही थी, इंसान के पास ऑप्शन नहीं था, हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे सिख ईसाई सबको एक साथ ऑक्सीजन की जरूरत थी, है ना। और सब लोग भी पर्यावरण के करीब आ गए, आज घरों में अच्छे अच्छे पौधे लग रहे हैं, पौधे बाद नॉलेज हो गया मेरे को, हर्बल प्लांट्स बाद नॉलेज हो गया, उसके बाद इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, सब्जी के पौधे, अच्छे अच्छे पौधे हैं जो दवा को हम लोगों को बोलते हैं दवा मत यूज करो, प्लांट यूज करो, क्योंकि आप लेमन ग्रास का पौधा देख लो कितने सारे कस्तों की बीमारी खत्म जाता है, श्यामा तुलसी अलग होता है, रामा तुलसी अलग होता है, कड़ी पत्ता हो गया, कड़ी पत्ता से बोलते हैं मीठी तुलसी बोलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ है जो इंसान लेमन ग्रास हो गया, उसके बाद रोजमेरी का पौधा है, वहाँ भी प्लांट है सब। तो बेसिकली मैंने बहुत चीज़ें बता दी अपने बारे में और अभी हम ये पूछते हैं कि भाई आप ये बताइए कि आपने जब स्टार्ट करा था, जैसे आप बता रहे हैं कि आप बॉलीवुड में जॉब कर चुके हैं, बहुत सारे एक्ट्रेस हैं और बहुत सारी मूवी कर सकती हैं, बहुत सी कर रखी हैं, तो उस लाइन में जाने का कैसे सोचा था? उसने दिल्ली स्क्रीन पढ़ते थे, हमारी दिल्ली सिटी में फिल्म शूटिंग हुई थी, यार कुछ अच्छी थी, फिल्म मिश्रा का फिल्म था, सुपर डायरेक्टर है, उसके डायरेक्टर हैं बहुत बड़े बड़े भाई कमान है, एक्ट्रेशन बढ़ी गया वहाँ से, उसके बाद मैं और सारे कई सारी हिंदी पिक्चर फिल्म में भी काम किया, लिंक बनते गया, करा था मैंने एक काम के लिए, अच्छे विचार के लिए, अच्छे मिलता है, शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल करते करते आज मुकाम को पहुंच गया, अच्छा नाम मिला, दो सूट पर अवार्ड ले चुका था, फाल्के अवार्ड, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, गोवा फिल्म फेस्टिवल अवार्ड,
नासिक फिल्म फेस्टिवल, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, कई सारे अवार्ड ले चुका हूँ। अब मुझे देश सेवा करना है, माँ भारती की आरती में जनता की सेवा करना है, अब पर्यावरण के लिए करना है, गाय माता की सेवा करना है। चलिए, तो आपने अभी ये बताया कि आपने, आपका इंटरेस्ट था वहाँ पे, आपके कॉलेज में आपको कोई शूटिंग हो रही थी, उसकी वजह से आपका वहाँ पर इंटरेस्ट जगह और वहाँ से आपके कनेक्शन बढ़ते गए और आप आगे बढ़ते गए सीढ़ी दर सीढ़ी। तो क्या क्या परेशानियाँ आई वहाँ पर आपको? स्ट्रगल में जब आपके कोई बहुत फायदा नहीं होता, फिर सुनाने में लगता है तो बहुत सारी परेशानी होती है, खाने का, रहने का। ऑडिशन देने जाओ तो तुम मना करते थे लोग, कहाँ रात को रुके। तो मैं तो कई रात ट्रेन में सोया हूँ, बड़ा पाव खाते खाते ट्रेन में सोया हूँ, भाग दौड़ किया हूँ, बेबिन को सोया हूँ, ग्रीन सिटी के अंदर सोया हूँ। तो जज्बा था कुछ का दुझंडे का, तो फोन हमको रोक सकता है। तो आपने भी ये होना चाहिए सच में। तो आप ये बताइए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हाँ मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा था, तो पहली आपको क्या मिला था, पहला ऐड या पहली मूवी क्या आपको, जो जहाँ पे आपको और कैसा फील हो रहा था उस टाइम का? साधन जगह मिला था मुझे, अफसोर्ड मिला था, उसमें काम किया। उसके बाद हमारे दोस्त की मूवी में जो छोटा सा रोल किया मैंने उसके अंदर, तो साधन इंडिया में कैसे अपॉर्चुनिटी मिली आपको? शूटिंग हुआ था, हमने आपको ऑडिशन दिया था, ऑडिशन दिया था, छोटा सा रोल मिला हमें, बोले पैसे नहीं दूंगा, मैं बोले कोई बात नहीं, काफी होगा, काम किया उसने। तो बॉम्बे में क्या है, जब तक बॉम्बे वाला अपना अपना ग्रुप नहीं होगा, टीम नहीं होगा, उस तक आपको कोई अप्रोच नहीं करता। हर जगह आपको बैठ के अपना विश्वास जमाना पड़ता है। हमें यहाँ बैठा हूँ गाजियाबाद में बैठा हूँ, फैबाद विधानसभा के अंदर, यूपी के अंदर बैठा हूँ, तो यहाँ पर भी लोगों के बीच में जगह बना रहा हूँ। आज मैं आपके सामने कितने सारे कस्टमर आया, मैंने बात किया उनको, भाजपा स्वच्छता अभियान में ज्वाइन करवाया, आपको ज्वाइन करवाया अभी। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा सोशल कनेक्शन बढ़ रहा है, सोशल धन कमा रहा हूँ, जन ही धन है, आपके जनता है आपके पास, तो आप कितने बड़ा आदमी हो। नोट कागज की नोट कोई वैल्यू है नहीं अभी। आप जैसे बता रहे हैं कि आपका स्ट्रगल देखे, स्ट्रगल तो वैसे सभी की लाइफ में होता है मोस्टली, पर आप ये बताइए कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि हाँ मैं सावधान इंडिया में गया, वहाँ पे बिल्कुल पैसे नहीं देते थे, तो फर्स्ट इनकम आपकी कितनी थी और आपको कहाँ से, किस कहाँ से पेमेंट आपको मिली थी? याद नहीं है कहाँ से मिला। उसके बाद जो कैसा डॉक्यूमेंट्री बनाया उसके हुआ, उसके बाद कई सारी कंपनियों का मैंने काम किया, ब्रांडिंग काम किया, सफोला कंपनी का, अमूल बिस्किट का, डी एस गुलवर्ती गंगा का, और सारे कंपनी का काम किया, पी आर ओ को काम किया, इनका प्रमोशन करवाया। तो मिला जुला कर एक मीडिया इंडस्ट्री के ट्रैक पर चल रहा था, आज भी उस ट्रैक पर चल रहा हूँ। मेरा बिजनेस है बॉलीवुड में काम करना। अब नर्सरी का क्या है, नर्सरी में लोगों से बैठने की जगह है, एक आपकी पी आर चारा बढ़ाने का, अवेयरनेस बढ़ाने का, जगह बढ़ाने का, और लोगों को अवेयरनेस करता हूँ पौधों के बारे में, जागरूक करता हूँ। आपके बहुत सारे फलों के पौधे हैं मेरे पास, सब्जियों के पौधे हैं मेरे पास, इंडोर पौधे हैं, अच्छे अच्छे पौधे हैं, और बहुत चीप रेट में रखता हूँ। अब सारे पौधों का नाम रेट सबको फीस कर रखता हूँ, कोई बार्गेनिंग नहीं करते, तो बायर भी नहीं होती, यहाँ पर आओ लेके जाओ। ठीक है, तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है, तो आपने कहीं घर वालों ने कुछ नहीं बोला आपको कि हाँ हमारे इस लाइफ में फिल्म लाइन में कैसे जा रहे हो, या कोई टोकन या अपने हमारे मम्मी पापा बिहार में रहते थे, शिवाजी कॉलेज में प्रोफेसर थे, माँ डॉक्टर थी, उनको बताया नहीं मैंने, मैं तो पल पढ़ रहा हूँ, काम करते चले गए। जब सक्सेस कर गए तो वो पता चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रोजेक्ट था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाया था, कई सारे अवार्ड मिले थे, सिर्फ बॉम्बे काम किए थे। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पटना गया था दिल्ली में करने के बाद, वहाँ पर पता चला कि बॉलीवुड में आ गया। तो क्या उनके इंप्रेशन पे क्या खुशी थी, क्या हुआ उनको? हमारे फील्ड हमारे घर से कोई फील्ड में था ही नहीं, उनके लिए एक जीरो समान है, एक नई सी दुनिया थी, कठिन यकीन नहीं होने वो यकीन नहीं होने सिंपल से, और फैमिली था शाहरुख खान सलमान का, कोई जाते नहीं आते, कोई टी वी सीरियल, कोई मूवी, कोई हॉल नहीं थे। भाई स्ट्रगल देख रहे हो, स्ट्रगल इसे कहते हैं स्ट्रगल, इस लेवल का स्ट्रगल करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। हम तुम बोलते हैं यहाँ इतना से मेहनत करके, इतना दो कदम चल करके, हम बोलते हैं कि हाँ नहीं यार अब मेरे से नहीं हो रहा, यहाँ देखो कितने साल स्ट्रगल करा, मैं जानना चाहूँगा आपसे। आठ साल के था, आठ साल का, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, कुत्ता को सोना, पेट में सोना। तो आप हम जानना चाहेंगे कि आपके स्ट्रगल के बारे में जान लेते हैं, आपने तो वहाँ से जब इंस्टेंट सोर्स बनने लग गया था, और आप बता रहे कि आपको नर्सरी रहेगा, इन सब का नॉलेज, इन सब की नॉलेज छोड़ना बाद हुआ है,
उसमें मॉलेज नहीं था डिपॉम्बे में, मॉलेज छोड़ने के बाद हुआ है, इंटरेस्ट बढ़ा गया, इंटरेस्ट पहले नहीं था लेकिन बाद में नहीं था, पहले पौधे को शौक था, इंटरेस्ट नहीं था, छोड़ने के बाद में फिर लाया पौधे से, उनको बच्चों को पालता हूँ, देखता हूँ, उनको बातें करता हूँ। आप ये बताइए, जैसे कि आप बताएं इस तरह के बारे में सब कुछ बता दिया, आप थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताएं, यहाँ पे अपने जो वाइफ है तेरे पास जिम करती है, इसकी वजह है दो छोटे छोटे लड़की हमारे स्कूल साल की, अभी उनका अभी स्कूल में जुड़ हुआ है, छोटी सी फैमिली है, फादर मदर हमारे, मदर नहीं है हमारे आगे नहीं जाते हैं, फादर ध्यान रखते हैं। तो अभी कुछ जैसे कि आप बता रहे हैं कि बॉलीवुड में अभी भी कनेक्टेड हैं, तो बॉलीवुड में अभी कुछ आ रहा है आपका? अभी मूवी करने जा रहा हूँ, उसके बाद अभी हमारी दोस्त का मूवी का प्रमोशन हो रहा है, तो उस प्रमोशन करवा रहा हूँ, आने वाली है, अच्छी मूवी है, और उस पर कई सारे डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा हूँ, स्टार्ट हुआ से कर रहा हूँ, जो हुनर है वो तो दिखेगा ना, बिल्कुल जब दिखता तभी तो दिखता है ना। तो आप बता रहे हैं कि हाँ अभी पहले बीच में आपने लॉकडाउन में स्टॉप कर दिया था, और फिर अपनी जो इंटरेस्ट इसमें आया नर्सरी में, और फिर आप यहाँ पर आके आपने स्टार्ट कर दिया, तो नर्सरी भी आपने जो है हाल फिलहाल में लॉकडाउन लगा था तभी स्टार्ट करा था, तो नर्सरी स्टार्ट करने में आपको कैसी परेशानी आई? किसानी आई पौधों को नॉलेज था, कौन से पौधा कितना पानी डालते हैं, कौन धूप का है, कौन छाँव का है, कैसे केयर करते हैं पौधों वाले में, सब बताना, सबको बताना, कन्विंस करना, और अच्छा रहा हमें भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अंदर हूँ, तो हमारा जो फ्रेंड है वो जो हमारा वीन है, किसान जुड़ा वीन है, तो हमारे जो अध्यक्ष हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे पिता गुजर जी, उन्होंने मुझे समझाया बताया, गाँव में किसान भी छू ले गए, पौधे भी छू ले गए, तो बहुत प्रेरणा मिली उनसे, किसान मोर्चा से बहुत प्रेरणा मिला, प्रदान कर रहे लोग, तो मिला गया किस्मत ये मुझे क्या था, मतलब बॉलीवुड के अंदर जा रहे हैं दोबारा, इसमें तो आपकी नहीं जाएगी। तो आप भी जैसे बता रहे कि आप बॉलीवुड में भी थे, और फिर थोड़ा ब्रेक लिया, लॉकडाउन आ गया, उसके बाद आप नर्सरी में आ गए, तो ये बताइए कि आपका जनता पार्टी से जुड़ना कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, माँ भाजपा हमारी माँ है, माँ जुड़ना क्या, माँ के साथ हम पैदा लिए हैं, वहाँ से कैसे कनेक्टेड हो गए, वहाँ से कैसे जानते हैं? आपको कॉलेज टाइम से जुड़े हुए थे, उनके खड़ा हुए थे, टीवी के साथ जुड़े हुए थे हम लोग, मैं थोड़े टाइम में बेबी हमेशा फाइट होता था, बेबी पी के अंदर था, तो बेबी साथ में फाइट होता था, तो उसमें सब सगर को चलता चलता हम लोग का, हम स्कूल से मार्च से उठे हैं, करते थे लोगों को अपने सोचे थे जो आर्टिस्ट जो बच्चे आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं वो प्रॉपर प्रिपेयर होकर नहीं आते, टीवी में ग्लैमर देख के या यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर ग्लैमर देख के आते हैं, जो कुछ समय के उनको हाइट मिलता है, बाद में घूमने के लिए डीप हो जाते हैं, नहीं हो स्ट्रॉन्ग नहीं बनो कैसे आप आ सकते, वो एक अपनी पहचान नहीं था, तो आधा 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 ज्ञान हमेशा इंसान को छुआता है, तो उनको पहले ज्ञान लेना चाहिए, इंडस्ट्री को समझना चाहिए बॉलीवुड के बारे में, अब तो उसी में कुछ प्लेटफॉर्म वो लिमिट है, आपको बहुत अधिक प्लेटफॉर्म बन चुका, ओटीटी प्लेटफॉर्म में सारे वेब सीरीज इतने सारे बनने कंटिन्यू आ रहे हैं, अभी काम तो डबल काम मिल रहा है बॉलीवुड, क्योंकि जब से ओटीटी का फंडा आया है किया था वो भी अपना मैच ऑफ लाइफ विराट कोहली साथ में, मैच ऑफ लाइफ मूवी में मैं कॉमेडियन था, मेरे को ऑफिस का बॉस था, मेरे अपने जॉब मांगने आते विराट कोहली थी, उसके बाद क्या था इनकाउंटर मूवी मंडल का जॉन था, वो सर तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा रहा, अच्छे एक्टर थे, मनी एक्टर मुझे करने के बाद काम सीखने भी मिला, ब्रांड मिला, घबराहट से हाँ घबराहट हुई थी, कैमरा रात को सीन दो भी हुआ था, सुबह से प्यार थे सीन करने के लिए, जब दो सीन हुई तो पूरा सारा
जो भी कैमरा था घूमा के लगा देते हैं डेलो खोले बड़ा आपने वो फिर रखा था ना चलती गाड़ी फोटो दी कैमरा लगा दिया बड़ा सा कैमरा जो होता है आगे टाइम कैमरा लगा दिया अपना डेलो खोलना बड़े व्यक्ति बगल में बैठे हुए तो आसानी होती है तो बुलूक भी देना है डेलो भी खोलना है कैमरा भी देना है बुलूक के बाद उनको डेलो के बाद उसके बाद रेशन भी करना है बहुत सारी फॉलो होती है उसमें आप हम लोग आए एक बार में दो कदम चले तीन कदम चले या आज इसका एग्जाम्पल देने तो दो तीन वीडियो डाली उसके बाद स्टॉप कर दें ऐसे नहीं होता है कंटिन्यू चलते रहना चाहिए तभी आप चलोगे। तो जैसे आपने बताया कि एक क्वेश्चन है कि बॉलीवुड में या किसी भी सोशल मीडिया में रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए कैसे आपको एक्टिव रहना चाहिए और बॉलीवुड में हमेशा काम मिलता रहे उसके लिए सर्वाइव कैसे एक्टिव होना चाहिए समय साथ बदलते अभी भी होना सकता है या शूटिंग में कैसा फैक्टर चलो जवाब नहीं देता मैं किसी को फंडा में घुसता हूँ मैं अपना सोशल काम पर ध्यान रखता हूँ गरीबी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं खड़ा हो जाऊंगा मैं किसी बड़े लोगों में नहीं होता मैं जमीन के जुड़ा मट्टी मट्टी से काम करता हूँ ये मेरा सुनता तो यही था आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि मिलते रहेंगे भाई से आते रहेंगे भाई के पास और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें धन्यवाद।